सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को, तो इस वाले वीडियो में पीटीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हम लोग इंडिया जीके के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? ओपी लक्ष्मण, आर के नारायण, वीवीएस लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण। प्रसिद्ध टाइमलेस लक्ष्मण जो पुस्तक है, ये आर के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण आर के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुस्तक का विमोचन किया। आर के लक्ष्मण को उनकी रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आर के लक्ष्मण को उनकी रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता है। उनकी जीवनी द टनल ऑफ टाइम एक ऑटोबायोग्राफी है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुगा दूसरा क्वेश्चन है कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, सादत खान, टीपू सुल्तान, मुशिंद कुली खान। चूज कीजिए आंसर आप लोग। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पूर्वी तट पर हैदराबाद नामक एक नया शहर बनाया। तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाएगा। वह एक सक्षम प्रशासक था और उसके शासनकाल को कुतुबशाही वंश के उच्च बिंदुओं में से एक माना जाता है। वह 1565 में पैदा हुए। सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे बेटे थे। उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण भी कराया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, रक्षा प्रमुख, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। भारत की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी प्रावधानों का एक भाग है जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों सहित अनुच्छेद 52 से 78 से संबंधित है। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, एक निर्वाचन मंडल उसे चुनता है। उसके पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है अनुच्छेद 52, और उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन देखेगा। देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको काट देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है, ये भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वीं, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है और चीन दूसरे स्थान पर आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट न्यूज है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वीं, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो जो भी अभ्यर्थी टी ऑप्शन बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सुगास पांचवा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमा से कम भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? चूज कीजिए आंसर आप लोग। भारत की सीमा से कम भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे।
गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तीन भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ एक सीमा साझा करते हैं। पंजाब 547 किलोमीटर, राजस्थान 1035 किलोमीटर, गुजरात 512 किलोमीटर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों 1216 किलोमीटर 3310 किलोमीटर की संयुक्त साझा सीमा के साथ हैं। भारत पाकिस्तान सीमा काफ़ी पेचीदा है, क्योंकि भारत ने लगभग 50,000 खंभों पर 1,50,000 दूधिया रोशनी लगाई है, इसलिए रात में सीमा को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से भी एक माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुगा छठा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1949, 1952। तो भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। योजना आयोग भारत सरकार का एक संस्थान था जिसने अन्य कार्यों के बीच भारत की पंचवर्षीय योजना बनाई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की वर्तमान जरूरतों और आकांक्षाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए नवगठित नीति आयोग के साथ इसे प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि योजना आयोग को हटाकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, यह आपको ध्यान रखना है। और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 साल, 30 साल, 22 साल, 25 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 30 साल। देखिए, इसका गठन वर्ष 1952 में किया गया था। यह स्थायी सदन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची सीटों के आवंटन से संबंधित है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नवा क्वेश्चन देखेगा, स्वतंत्रता के बाद से भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल 3 बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है। देखिए, पहला आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया। वह समय था जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा घोषित किया गया था। दूसरा आपातकाल 3 से 17 दिसंबर 1971 के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दूसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। बाद में से 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए तीसरे उद्घोषण के साथ बढ़ाया गया था। यह आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कथित खतरे के कारण लगाया गया था। देखिए, तीसरा आपातकाल नाटकीय रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे ही यह शुरू हुआ इसके परिणाम स्वरूप 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। दसवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है दसवां क्वेश्चन है गाइस, कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा के सभापति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट आर्किटेक्चर, समुद्री बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के बर्तन।
तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच पिलीवागन में स्थित है। यहाँ उत्खनन के दौरान शिलालेख, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और मोहर पाए गए थे। 12वां क्वेश्चन देखेगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग, कर्नल सेंडर्स। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ बातें हैं उन्हें जान लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। उन्होंने क्लाइव की दोहरी सरकारी प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? बाबर और लोदी साम्राज्य, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, मेवाड़ के अकबर और राणा। चूज कीजिए आंसर आप लोग। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अकबर और हेमू। देखिए पानीपत की ऐतिहासिक जो लड़ाइयां हैं, पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और अकबर का सेनापति हेमू हेमचंद शेरशाह सूरी के सेनापति, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। 14वां क्वेश्चन देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में भूमिका निभाई? श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्रपाल, विष्णु गणेश पिंगले। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लाला हरदयाल। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर पार्टी नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर के लॉन्च के बाद अपनाया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1948 में भंग कर दिया गया था। 15वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0° अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री मध्य। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा है जो 0° अक्षांश पर स्थित है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। इसकी लंबाई 24,901.55 मील यानी कि 40,075.16 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर वर्ष के सभी दिनों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 16वां क्वेश्चन देखेगा, 16वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। नर्मदा नदी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है। ये मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पहाड़ी के शिखर तक बढ़ जाता है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा को रेखांकित करता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। केवल नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यह गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है गाइस कि पृथ्वी की क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांशों, देशांतर,
आइसोबार, समतापी। अक्षांश, जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रत्येक अक्षांश एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा होती है जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम तक और भूमध्य रेखा के समांतर घेरती है। इसी तरह देशांतर भी एक काल्पनिक रेखा है, लेकिन यह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। समभारिक रेखाएं एक ही दबाव की रेखाएं हैं, समताप रेखा एक ही तापमान की रेखाएं हैं। सो गाइस, 18वां क्वेश्चन देखेगा। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में तीन अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, अफ्रीका। तीन अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। 19वां क्वेश्चन देखेगा। 19वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के शून्य मिल केंद्र के रूप में भी जाना जाता है? जबलपुर, इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, नागपुर। नागपुर को भारत का शून्य मिल केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागपुर भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है और स्तंभ पर चिन्हित सभी प्रमुख शहरों की दूरी इस बिंदु से मापी जाती है। 20वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नींबू। देखिएगा, नींबू में विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा होती है। नींबू एक खट्टा फल है जिसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सिडेंट के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके शरीर में मुक्त कणों को नष्ट करने में मदद करता है, जो अन्यथा आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का स्त्राव करती है? अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, गोनाड, अग्नाशय। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन्स आंतरिक पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि से रक्त प्रवाह में प्रवाहित या स्त्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि अन्य हार्मोन्स भी बनाती है जिनके कार्य वृद्धि हार्मोन से भिन्न होते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। 22वां क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो, ओरिनोको। जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, कांगो। कांगो नदी के बारे में जान लीजिए। देखिए, कांगो नदी 4370 किलोमीटर लंबी है। जब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी लुलावा के साथ संयुक्त है, यह दुनिया की एकमात्र बड़ी नदी है जो दो बार भूमध्य रेखा को पार जाती है। 23वां क्वेश्चन देखेगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, सर हॉपकिंस। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। तो जो भी अभ्यर्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। वास्को डी गामा के बारे में जान लीजिए। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को जाता है। साथ ही वास्को डी गामा की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मतलब क्या है? यूनेस्को का मतलब है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र को इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसकी वकालत किसने की थी? लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसकी वकालत लोकमान्य तिलक ने की थी।
जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं, उन्हें लोकप्रिय रूप में लोकमान्य कहा जाता है, उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किन्हें कहा जाता है, लोकमान्य तिलक को। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखने की, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी तो लोकमान्य तिलक ने। अतिरिक्त जानकारी जान लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, ये नारा सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफ में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफ में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र AgBr है। सिल्वर आयोडाइड AgL का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। 27वां क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 55%। प्लाविका या रक्त प्लाज्मा रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। ये कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ट्रेकोमा किसका रोग है? यकृत आंखें फेफड़े गुर्दे। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ट्रेकोमा जो है ट्रेकोमा ये आंख का रोग है। ट्रेकोमा आंख का एक रोग है जो क्लाइमिडिया ट्रेकोमेट्रिक नामक बैक्टीरियम से संक्रमण की वजह से होती है। 29वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता Dr. V.R. अंबेडकर को माना जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ओलंपिक प्रतीक में एशियाई महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा रंग का छल्ला है? नीला पीला लाल हरा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पीला है। किसी रंग विशेष का संबंध किसी महाद्वीप से नहीं बताया जाता, लेकिन 1951 से पहले ओलंपिक की आधिकारिक बुकलेट में यह बताया गया था कि नीला यूरोप के पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया ओशियानों को, लाल रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने PTET 2023 की परीक्षा के लिए इंडिया GK के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।